टाइप्स ऑफ बुलिंग बुलिंग की मुख्तलिफ टाइप्स हैं बुनियादी तौर पर बुलिंग की दो टाइप्स होती हैं एक टाइप को डायरेक्ट बुलिंग कहते हैं और दूसरी को इनडायरेक्ट बुलिंग कहते हैं डायरेक्ट बुलिंग से क्या मुराद है डायरेक्ट बुलिंग से ये मुराद है कि डायरेक्टली और ओपनली किसी को विक्टमाइज़ किया जाए फिज़िकली या वर्बली स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी को किसी एक शख्स को टारगेट कर लेते हैं और उसको विक्टमाइज़ करते हैं या वर्बल अभी उससे करते हैं या फिज़िकल एब्यूज से करते हैं तो यूज़ ऑफ एग्रेशन इज़ देयर इन डायरेक्ट बुलिंग एग्रेशन इज़ यूज एंड दैट कैन गो इन टू द डेंजर जोन वेरी सोन डायरेक्ट बुलिंग जो है ये एक बहुत ख़तरनाक अमल है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को जो हैं वो डायरेक्ट निशाना बनाते हैं एग्रेशन का वो ज़्यादा ज़्यादा जो है फ़िज़िकल भी होता है और वर्बल भी हो सकता है इसके अलावा जो दूसरी टाइप ऑफ बुलिंग है उसको इनडायरेक्ट बुलिंग कहते हैं इनडायरेक्ट बुलिंग में थ्रेट्स आ जाते हैं थ्रेट्स का मतलब यह है कि आप जो हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को थ्रेटन कर रहे हैं और उनको आप ये बता रहे हैं कि तुम विक्टम हो और हम जब चाहेंगे थ्रेट करेंगे जब चाहेंगे वर्बली एब्यूज करेंगे और ही और शी कैन मेक द लाइफ ऑफ द विक्टम मिजरेबल सो थ्रेट्स जो हैं उससे जो विक्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है थ्रेट्स के अलावा इंसल्ट आप किसी की बेजती करते हैं जो बुली है वो विक्टम की बेजती करता है या करती है क्लासरूम में भी कर सकते हैं प्ले में भी कर सकते हैं किसी भी स्कूल प्रेमिस में कर सकते हैं तो इंसल्ट इज एन इनडायरेक्ट बुलिंग नेम कॉलिंग आप किसी को गाली देते हैं जो बुली है वो विक्टम को क गाली गलोच करता है ये अगेन दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव बिहेवियर एंड शुड नॉट हैपन एट ऑल इन स्कूल्स फिर यू स्प्रेड र्यूमर्स एज अ बुली यू स्प्रेड र्यूमर्स इन द स्कूल अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन सो बेसिकली यू ट्राई टू मेलाइन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि बहुत गलत बात है किसी की भी जो है वो करदार खुशी करना बहुत बुरी बात है सो स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट समबडी अगेन कम्स इन इनडायरेक्ट बुलिंग राइटिंग हर्टफुल ग्रेफिटी किसी के बारे में उल्टा सीधा कहीं पर लिख देना दीवार पर लिख देना बोर्ड पर लिख देना कहीं भी लिख देना इससे भी जो है कोई एक जो है शख्स वो विक्टमाइज हो सकता है इसके अलावा दूसरों से कहना कि इस शख्स के साथ मत खेलें या बात ना करें ये भी इनडायरेक्ट बुलिंग कहलाता है इसमें होता यूं है कि बुली जो है वो एक ग्रुप बना लेता है और जो है वो विक्टम को ये कहता है कि आपके साथ कोई भी नहीं बात करेगा आपके साथ कोई नहीं खेलेगा आपके साथ कोई काम नहीं करेगा अगेन दिस कैन लीड द विक्टम इन टू अ साइकोलॉजिकल ट्रामा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्ट बुलिंग के अंदर आ जाती हैं और डायरेक्ट बुलिंग हो या इनडायरेक्ट बुलिंग हो इससे विक्टम जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है आइदर साइकोलॉजिकली और फिजिकली सो द नीड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स इज द ड्यूटी ऑफ द स्कूल एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स इसीलिए बुलिंग जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम और इसको जितनी जल्दी इसका खात्मा किया जाए उतना बेहतर है अब जो इनडायरेक्ट बुलिंग होती है उसमें मकसद ये होता है कि जो विक्टम है उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाए उससे कोई बात ना करे उसके साथ कोई काम ना करे और उसको सोशल आइसोलेशन का शिकार कर दिया जाता है ये जो है अगेन इट इज़ अ वेरी नेगेटिव बिहेवियर एंड इट कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज फार एज द विक्टम इज़ कंसर्नड बिकॉज द विक्टम कैन लैंड इन टू अ काइंड ऑफ अ ट्रामा जिसमें से निकलने के लिए काफ़ी वक्त दरकार हो सकता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को स्कूल्स में ना होने दें और इन पर ख़ास चेक रखें डायरेक्ट बुलिंग हो या इनडायरेक्ट बुलिंग हो दोनों को कंट्रोल करना चाहिए एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इरेडिकेट सच काइंड ऑफ बिहेवियर्स इन स्कूल्स